हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीसी का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। आपने अपॉइंटमेंट डेट को, जो भी आपकी डेट थी, उसमें आपने ऑफिस पर विजिट किया है या नहीं किया है, जो भी आपका स्टेटस है, आपकी पीसीसी की जो वेरिफिकेशन है वो आपके पुलिस स्टेशन में है या कहाँ पर है, किस तरह से चेक करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर पहले वाले लिंक पर ही क्लिक करेंगे पासपोर्ट सेवा। अभी देखिए कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको कट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन आईडी जो भी आपने अप्लाई करते समय यहाँ पर फिल की थी, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड फिल करेंगे, जो भी आपने पासवर्ड रखा था। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। अब देखिए कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशंस, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस आईडी से आपने जितनी भी एप्लीकेशन फिल की हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने इस पर सिर्फ 4 की हैं, तो इसमें मैं देखना चाहूँगा जो कि पीसीसी की था, जो कि हमारा पीसीसी का था, तो यहाँ पर सामने चेक मार्क करेंगे। और यहाँ पर पेमेंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इन पर किसी को नहीं छेड़ेंगे, सीधा सिंपली यहाँ पर आएंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसी पर क्लिक करेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेटस ट्रैकर। फाइल नंबर देखने को मिलेगा आपको, नाम देखने को मिलेगा, सरनेम, एप्लीकेशन रिसीव ऑन डेट देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है 10 तारीख 7वां महीना 2023, स्टेटस में जो है डिस्पैच हैज़ बीन इंट्रोड्यू फॉर पीसीसी, इनकी मतलब पीसीसी डिस्पैच हो चुकी है। ये जो एप्लीकेशन में एड्रेस फिल किया हुआ है उस पते पर ये पहुंच जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।